कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हमने जो फोर्स की वैल्यू निकाली वो किस में निकाली, स्केलर में निकाली। हमने कोई बात नहीं की कि अट्रैक्टिव फोर्स है, हमने बात नहीं की रिपल्सिव फोर्स है, हमने कहा फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो कूलम लॉ आपको क्या दे रहा है, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है। अब क्योंकि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अब हम लिखेंगे कूलम लॉ को इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए आप फिर से दो चार्जेस लें। तो आपने दो चार्जेस लिए, एक Q1 और एक Q2, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। तो आप xy प्लेन लें, xy एक्सिस लें। तो मान लो a की पोजीशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ वेक्टर जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो r1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ a। ऐसे b की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया बाय r2 वेक्टर। तो r2 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ b। क्लियर है। मान लो Q2 ने Q1 को क्या किया, रिपेल किया। तो कितनी फोर्स से रिपेल किया, F12 वेक्टर। 12 वेक्टर का मतलब क्या है, 1 के ऊपर फोर्स लगी किसने लगाई, 2 ने लगाई। F21 ये जो Q2 के ऊपर फोर्स किसने लगाई, Q1 ने लगाई। और क्या रिप्रेजेंटेशन है, F21 वेक्टर, यानी कि 2 के ऊपर फोर्स लगी किसने लगाई, 1 ने लगाई। तो ये डायग्राम क्लियर है यहां तक। तो आपने इसके अंदर F12 का मतलब क्या एक्सप्लेन किया, F12 वेक्टर मींस 1 के ऊपर फोर्स लगी, 2 ने लगाई। फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2। F21 का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू Q1। तो मैग्नीट्यूड इनका आपको निकालना आता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R2। ये रहा। पर आप इसे किस में लिखना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो आप यूनिट वेक्टर बना लो F12 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इमेजिन करो एक छोटा सा यूनिट वेक्टर है आर कैप। यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर कैप। इसका नाम मैंने दिया R12। 12 F12 के साथ क्या वेक्टर जा रहा है, R12। ऐसी F21 को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने मन से यूनिट वेक्टर बनाया R(21)। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इनका कितना है, 1। तो हम अगर F12 वेक्टर को लिखें तो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ क्या रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो F12 वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, R(12)। ऐसी F21 वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, R(21)। इन्हें अगर डिवाइड कर लें तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल। और मुझे पता है कि इन दोनों में किसका फर्क है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, डायरेक्शन में नेगेटिव का फर्क है क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहां पर क्या आएगा, सॉल्व करके माइनस, इन दोनों को सॉल्व करके माइनस, तो आपके पास क्या आएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F(21) वेक्टर। इसका मतलब प्रूव हो गया कि कूलम फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसके अंदर ये प्रूफ करने को आ सकता है कि प्रूफ करो कूलम जो फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे पता है कि F12 वेक्टर को मैंने कैसे लिखा, ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर ली R(12)। इसमें यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका वेक्टर क्या बनेगा, R(12) वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, R(12)। ये लिख लिया। अब ऐसा कर सकते हो R(12) का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R ही होगा इटसेल्फ। तो इसकी जगह R पुट कर सकते हो, R(R)² क्या बनेगा, R का क्यूब बनेगा। अब आपको अगर वो डायग्राम पीछे वाला याद है तो A का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर था, B का R2 वेक्टर है, और ये मान लो एक्चुअल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं, ये एक्चुअल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R(12) वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ अगर आप लगाते हो तो ये साइड और ये साइड कॉन्टिन्यूस है और इसकी क्लोजिंग साइड है, तो क्लोजिंग साइड ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, रिजल्टेंट। तो क्या बनेगा, R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R(12) वेक्टर। तो R(12) वेक्टर क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पुट कर लेते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये इसका क्या बना, ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है F12 वेक्टर का। ऐसा भी कर सकते हैं, R को लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि R लिखना या R12 लिखना का मैग्नीट्यूड बात तो एक ही है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जहां पर मैंने R क्यूब लिखा था, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके R(12) का मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब R(12) का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड लेना हो तो इसका मॉड लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहां डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, R क्यूब की जगह R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब, एक ही बात है। तो इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली F21 वेक्टर, ये 12 वेक्टर है, F21 वेक्टर को क्या लिखेंगे, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1, नंबरिंग चेंज हो गई, उल्टे वेक्टर आ गए। तो याद करने का क्या तरीका है, F12 वेक्टर, अगर ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, F21 ये 21 है, ये 21 है, तो याद करना आसान हो जाएगा।
कि जब एफ टू वन वैक्टर निकालना है तो यहाँ क्या लिखना है, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, वन टू निकालना है तो आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट इसमें?